और मुझे ये दिखाया कि दिल्ली बंबई से दूर ऐसा मेडिकल सेंटर खुल सकता है जहाँ पे इतनी बढ़िया क्वालिटी की ट्रीटमेंट दें। और मुझे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे स्टेज में सर्वाइवर से मिली और उन्होंने कहा कि मैं एक वर्ष पहले चल भी नहीं सकती थी, लेकिन इस सेंटर में आके इलाज करवाने के बाद मैं काम में खुद चल के जाती हूँ। सो इट्स वंडरफुल टू नो दैट टू मीट अ चाइल्ड हु इज़ जस्ट 18 मंथ्स ओल्ड एंड गॉन थ्रू सर्जरी कीमो एंड रेडिएशन एंड येट शी लुक्ड एज इफ शी वाज फाइन एंड स्ट्रॉन्ग। आई थिंक दैट्स कमेंडेबल। तो ये हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल से लगे हुए सब डॉक्टर, इनकी डेडिकेशन पे मैं आई एम सो ग्लैड टू सी देम एंड मीट देम। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि शुरुआत में कहा कि तीन चीज़ें मिसेज अग्रवाल और ये हॉस्पिटल और सब डॉक्टर्स जो महत्व देते हैं, एक तो करुणा, फिर केयर और उसके बाद इलाज। बहुत ही उम्दा चीज़ है। और आई थिंक अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर चूजिंग द राइट थिंग्स, राइट गोल। मेरी कहानी, मेरी कैंसर की कहानी तो काफ़ी लोग सुन चुके हैं, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ था, ओवेरियन कैंसर, और मैंने इलाज बाहर करवाया था। अब लगता है कि यहाँ पे ही भारत में ही इतने सारे अच्छे मेडिकल सेंटर खुल गए हैं और सारे इतने अच्छे डॉक्टर्स, ऑनको सर्जन्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन डॉक्टर, सारे लोग इतने यहाँ हैं, अच्छे हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।